इस लेक्चर में हम कंटिन्यू कर रहे हैं कोस्टल कैपिटल के एग्जांपल्स। लेक्चर से एग्जांपल नंबर है 16। इसमें देखिए आपको मेंशन किया है कैपिटल स्ट्रक्चर ऑफ सुप्रीम लिमिटेड इज एज अंडर ₹2,006% डिबेंचर्स और ₹100 ईच इशू वन एंड ऑफ टोटल अमाउंट है ₹2,00,000 1,007% डिबेंचर्स और ₹100 ईच जिसे सेकंड टाइप ऑफ डिबेंचर अमाउंट इज 1,00,000 2,000 कुमुलेटिव प्रेफरेंस शेयर ₹100 ईच टोटल इज ₹2,00,000 4,000 इक्विटी शेयर्स ₹100 ईच टोटल इज ₹4,00,000 रिटेनिंग अर्निंग्स ₹1,00,000 अर्निंग पर शेयर होगा कंपनी का पास्ट मेनी ईयर्स हैज बीन ₹15 एंड शेयर होगा कंपनी आर सोल्ड इन द मार्केट एट बुक वैल्यू। टैक्स रेट इज 30% एंड शेयर होल्डर पर्सनल टैक्स लाइबिलिटी इज 10% उसमें पर्सनल टैक्स भी लिया है शेयर होल्डर का। सो फाइंड आउट वेकली एवरेज कॉस्ट ऑफ कैपिटल होगा कंपनी तो आपको वेकली एवरेज कॉस्ट ऑफ कैपिटल फाइंड आउट करनी है विच मीन्स डिटर्मिनेशन ऑफ वेकली एवरेज कॉस्ट ऑफ कैपिटल। तो उसके लिए आप एक टेबल ड्रॉ कीजिए वहाँ पर हम मेंशन करते हैं कैपिटल का सोर्स है जैसे आपको सबसे पहले के लिए 6% डिबेंचर क्योंकि उसका अमाउंट बन जाएगा 2,000 डिबेंचर्स और ₹100 ईच सो अमाउंट है रुपीज में जिसे कि 2,00,000। फिर आपको सेकंड सीरीज के लिए डिबेंचर की 7% डिबेंचर इसका अमाउंट बन जाएगा 1,000 इनको ₹100 ₹1,00,000। सो नंबर थर्ड जो सोर्स है 8% प्रेफरेंस शेयर्स सो अमाउंट विल बिकम जिसे यवर 2,00,000 2,000 शेयर्स हैं और ₹100 देन इक्विटी शेयर्स आर 4,000 इक्विटी शेयर सो दिस विल बी इक्विटी शेयर कैपिटल जिसे जो 4,00,000 एंड वी हैव रिटेनिंग अर्निंग्स आल्सो जिसमें नहीं जो 1,00,000 उस केस में जो बैंकर्स हैं जिसे जो ऑफ ₹100 किसी जालसो ऑफ ₹100 प्रेफरेंस शेयर ही जालसो ऑफ ₹100 इक्विटी शेयर ही जालसो ऑफ ₹100 तो देख लिया सबको 100 से डिवाइड करके वो उसके नंबर्स आ जाएंगे। सो दिस इज टोटल कैपिटल सो टोटल इज बिकमिंग 10,00,000 तो मार्केट वैल्यू हमें मेंशन नहीं किया है कुछ नहीं इसके बेस पर आपके वेट्स आ जाएंगे देखिए डब्ल्यू सो 2/10 0.20 0.1 0.20 0.4 0.1 फिर आपको कैलकुलेट करनी है कॉस्ट ऑफ ईच सोर्स इसमें देखो आपको टैक्स रेट दिया है कंपनी का 30% और एक आपको दिया है पर्सनल टैक्स रेट जिसे 10%
पोस्टको डिबेंचर आ जाएगी आपकी, जैसे कोई मार्केट प्राइस नहीं किया है कुछ, मीन्स इशू प्राइस इसका फेस वैल्यू मानी जाएगी कुछ, सिंपली आप जितना रेट ऑफ इंटरेस्ट है उसको बना लीजिए आफ्टर टैक्स 4.2%। सिमिलरली सेकंड टाइप ऑफ डिबेंचर, उसका रेट ऑफ इंटरेस्ट है 7% इंटू 1 माइनस 0.3, 4.9%। KP आपका सेम रहेगा, प्रेफरेंस शेयर 8%। नेक्स्ट देखो KG आ गई KP, वी हैव टू कैलकुलेट नेक्स्ट KE। अब KE के लिए हमने डिविडेंस को मेंशन नहीं किए, तो आपका कौन सा फार्मूला अप्लाई होगा, EPS अपॉन मार्केट प्राइस ऑफ शेयर इनटू 100। तो EPS देखो आपको मेंशन की हुई है इसमें क्वेश्चन में, EPS जो है जिसे ₹15 पर शेयर EPS आपको दी है। और एक और पॉइंट इन्होंने दिया है, गैर सेइंग है कि शेयर होगा कंपनी सोल्ड इन मार्केट एट बुक वैल्यू, तो इक्विटी शेयर का जो मार्केट प्राइस है एग्जैक्टली इक्वल टू बुक वैल्यू, इट मीन्स मार्केट प्राइस ऑफ शेयर इज इक्वल टू बुक वैल्यू। अच्छा बुक वैल्यू क्या होती है पर शेयर, तो पहले वो कैलकुलेट कर लेते हैं, बुक वैल्यू पर शेयर बुक वैल्यू होता है कि बैलेंस शीट में इक्विटी के कितने फंड्स है, कितनी उसका फार्मूला बन गया इक्विटी फंड्स बैलेंस शीट डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ इक्विटी शेयर। इक्विटी फंड्स में हम देखते हैं इक्विटी शेयर कैपिटल प्लस रिटेन अर्निंग, इसको कहते हैं रिटायरमेंट सरप्लस। टोटल देखो ये बन गए 5 लाख, डिवाइड कर दो नंबर ऑफ शेयर्स हैं आपके, जिसे 100 से डिवाइड करेंगे तो 4000, इसमें जैसे जो 125। अब आप होते ही कैलकुलेट कर सकते हैं, अर्निंग पर शेयर आपको दिया है 15, जैसे जो 125 इंटू 100, तो जैसे जो कमिंग ओवर 12%। फिर एक आपको दिया था जैसे पर्सनल टैक्स रेट 10%, तो इसका क्या रोल होता है, तो ये इफेक्ट करके हमारी कॉस्ट ऑफ रिटेनिंग अर्निंग्स को, उसका फार्मूला बनाते हैं कॉस्ट ऑफ रिटेनिंग अर्निंग्स का, यहाँ मेंशन कर रखें किसी KR गेट इक्वल टू कॉस्ट ऑफ इक्विटी इनकू कर गो 1 माइनस पर्सनल टैक्स रेट इनकू 1 माइनस लोकेशन कॉस्ट। लोकेशन कॉस्ट हमने मेंशन नहीं की, जो एक्सपेंसिव होते हैं इक्विटी शेयर होल्डर के, तो KE है आपकी 12% इनकू किया 1 माइनस 0.10, इसमें किसी 10.8%। अभी आपकी के आ गई है सारी, वो पुट कर रखे हैं कॉस्ट ऑफ डेट 4.2%, ये सब परसेंटेज में है 4.9, प्रेफरेंस शेयर की कॉस्ट है आपकी कॉस्ट ऑफ प्रेफरेंस 8%, कॉस्ट ऑफ इक्विटी 12 एंड इसे 10.8, इसको मल्टीप्लाई करके हैं और आपकी के ओ आ जाएगी, जो कॉस्ट ऑफ कैपिटल किसी इक्वल टू के इनकू डब्ल्यू और उसका कर दीजिए सबमिशन, कुछ मीन्स के इंकू डब्ल्यू, तो आप एक कॉलम बना सकते हैं शायद के इंकू डब्ल्यू 4.2 इंकू 0.2, सो 4.2 टाइम्स 0.2 किसी जगह 0.84, 4.9 इंकू 0.1 0.49, 8 इंकू 0.2 1.60, 12 इंकू 0.4 4.8 एंड 10.8 इंकू 0.1 1.08, इन सबका करेंगे टोटल, सो प्लस 0.49 प्लस 1.6 सो प्लस 4.8 प्लस 1.08 सो दिस टोटल इकमिंग 8.81, ये आपकी परसेंटेज में आ जाएगी कॉस्ट ऑफ कैपिटल। नेक्स्ट लेके एग्जाम्पल नंबर 17, इसमें देखिए आपको मेंशन किया है, सो प्रियंका कॉरपोरेशन है जो फाइनेंशियल स्ट्रक्चर ऑफ 30% गैट के 70% की इक्विटी, को कैपिटल का स्ट्रक्चर दिया है 30% गैट है 70% इक्विटी है, कंपनी कंसीडरिंग वेरियस इन्वेस्टमेंट प्रपोजल्स कॉस्टिंग लेस देन ₹30 लाख, और डिफरेंट प्रपोजल्स हैं जिसमें आपकी इन्वेस्टमेंट होगी लेस देन 30 लाख। कॉरपोरेशन डजंट वांट टू डिस्टर्ब इट्स प्रेजेंट कैपिटल स्ट्रक्चर, तो इसमें देखो आपको कैपिटल स्ट्रक्चर दिया है,
कैपिटल स्ट्रक्चर होता है कि उसमें कितना आपका डेट है और कितनी इक्विटी है। तो ये आपको मेंशन किया है, डेट इज 30%, इक्विटी इज 70%। अब कंपनी एक प्रोजेक्ट स्टार्ट कर रही है जिसमें हमारी रिक्वायरमेंट है फंड्स की लेस देन 30 लाख से। अब आपको कॉस्ट ऑफ रेजिंग डेट टू इक्विटी दे रखी है। क्वेश्चन में आप देखिए डेट की देखो कॉस्ट ये है, आपको 5 लाख है देखिए प्रोजेक्ट की कॉस्ट, देन 9%, 5 से 20 है को 10%, 20 से 30 है को 11%। सिमिलरली कॉस्ट ऑफ इक्विटी की है 13, 14 एंड 15%। सो टैक्स रेट लीजिए 30%। तो यू आर रिक्वायर टू कैलकुलेट द कॉस्ट ऑफ कैपिटल ऑफ टू प्रोजेक्ट्स, दो प्रोजेक्ट्स हैं आपके ए एंड बी, हुज फंड्स रिक्वायरमेंट्स आर ₹1 लाख एंड 21 लाख रिस्पेक्टिवली। फिर आपको वेरीफाई करना है इफ प्रोजेक्ट्स आर एक्सपेक्टेड टू यील्ड आफ्टर टैक्स रिटर्न 12%, डिटरमिनिंग योर वर्क कंडीशंस प्रोजेक्ट विल बी एक्सेप्टेबल। तो प्रोजेक्ट में आपको रिटर्न मिल रही है 12%, तो आपने लिखना है वेटर एक्सेप्टेबल और नोट। तो लेते हैं, देखो पहले हम लेते हैं प्रोजेक्ट ए, इसकी जो टोटल कॉस्ट है वो आपको मेंशन की है, तो किसी यहाँ पर ₹1 लाख, इतने टोटल फंड्स आपको 8 लाख के चाहिए। अब आप देखो कौन से स्लैब में फॉल करेगी, प्रोजेक्ट की कॉस्ट है अबव 5 लाख एंड अप टू 20 लाख, इस स्लैब में फॉल कर जाएगी। तो इसकी कॉस्ट को कैपिटल कैलकुलेट करेंगे, उसमें मेंशन कीजिए। अब आपके दो सोर्स ही हैं, डेट एंड इक्विटी, उसका अमाउंट आ जाएगा टोटल है 8 लाख, उसका रखिए 30%, 2.2 रुपीज हम ले रहे हैं लैक्स में, एंड 70%, 5.6 टोटल इज 1 लैक्स। कितने सबका वेट बन गया 30%, 70%। अब आपको कॉस्ट कैलकुलेट करनी है, तो अब देखो इस प्रोजेक्ट की कॉस्ट में 5 से 20 बीच में डायरेक्ट की कॉस्ट है 10%, इसको बना दो आप आफ्टर टैक्स 0.7, 7%। कॉस्ट ऑफ इक्विटी आपको दे रखी है 14%, तो आपकी कॉस्ट ऑफ कैपिटल आ जाएगी के ओ, तो किसी जो के इंटू डब्ल्यू इज समेशन, यहाँ एक कॉलम बनाइए के इंटू डब्ल्यू, इसी 7 × 2.1 एंड 14 × 0.7 9.8, तो टोटल जो कॉस्ट आ रही है आपकी 11.9%। अब आपको देखो रिकरन जो मिल रही है प्रोजेक्ट में वो मिल रही है 12%, तो ये जो कॉस्ट है आपकी लेस देन है रिकरन ऑफ 12%, तो उसको आप एक्सेप्ट कर सकते हैं प्रोजेक्ट को। इसी तरीके से आपको दिया है एक सेकंड प्रोजेक्ट बी, उसकी जो कॉस्ट है वो आपको दी है ₹21 लाख, तो 21 लाख हमारा फॉल कर रहे हैं 20 से 30 के बीच में, तो उसके बेस पर आप मेंशन कीजिए बच्चे की डेट इक्विटी रुपीज लैक्स में कर रहे हैं, डेट आ जाएगा आपका 30%, 6.3 एंड 70%, 14.7 टोटल एज 21, इटमीन्स वेट्स आपके वही रहेंगे 0.3। अगर वो कॉस्ट ऑफ डेट और इक्विटी चेंज हो जाएगी, डेट की कॉस्ट बन जाएगी आपकी 11%, उसको बना लीजिए आफ्टर टैक्स, कॉस्ट ऑफ इक्विटी आपको दिया है 15%, देन यू टेक के इनको डब्ल्यू, ये डब्ल्यू है आपका वेट्स के, तो गेस इनको गेस एंड गेस इनको गेस वन, 7.7 टाइम्स 0.3 2.31 एंड देन 15 × 0.7 10.5, तो इस तरीके से आपकी के ओ आ जाएगी। तो किस कॉस्ट ऑफ कैपिटल इज अवर 12.81%, पर इस केस में जो कॉस्ट है आपकी ये ग्रेटर आ रही है रिकरन से, रिकरन यहाँ भी आपको वही मिल रही है 12%, तो इस प्रोजेक्ट को हम रिजेक्ट कर देंगे। तो सिंपल क्वेश्चन है, तो थोड़ा सा ये था कि स्लैब्स आपको दिए के कॉस्ट ऑफ डेट और कॉस्ट ऑफ इक्विटी दी, जो आपने कंसीडर करनी है। तो पहले आप क्वेश्चन आराम से समझ लीजिए, फिर आप नोट डाउन कर सकते हैं पोस्ट करके। तो नेक्स्ट लेके एग्जांपल नंबर 18,
नेक्स्ट एग्जाम्पल नंबर 18, जिसमें ये को मेंशन किया है, कृष्णा लिमिटेड की करंटली फाइनेंस विद रुपी 10,07% बोन्स एंड 20 लाख कॉमन स्टॉक। कॉमन स्टॉक होता है इक्विटी। द स्टॉक है कि बी का 1.5, रिस्क फ्री रेट 4%, मार्केट रिस्क प्रीमियम भी 3.5। द मार्जिन टैक्स रेट फॉर ए कंपनी होगी साइज 35%। कंप्यूट वेटेड एवरेज कॉस्ट ऑफ कैपिटल। अब देखो वेटेड एवरेज कॉस्ट ऑफ कैपिटल आपने कैलकुलेट करनी है ऑफ कृष्णा लिमिटेड। टेबल आपका वही बन जाएगा, सोर्स ऑफ कैपिटल। इसमें गो सोर्सिंग है आपके 7% बॉन्ड्स। तो बॉन्ड्स आर लाइक डिबेंचर, बॉन्ड्स इशू करती हैं जो कॉरपोरेशन होती हैं नॉर्मली, एंड देन इक्विटी कॉमन स्टॉक। तो कॉमन स्टॉक मीन्स इक्विटी, इक्विटी का ही दूसरा नाम है कॉमन स्टॉक। उनका अमाउंट आपको दिया है रुपीज में, तो किसे 10 लैक्स एंड 20 लैक। तो टोटल कैपिटल इनकमिंग वो भी 30 लैक्स। उसके बेस पर आपके देखिए आपके वेट्स आ जाएंगे, व्हाट आर वेट्स, जिसे 0.33 एंड 0.67। तो 1/3, 2/3। अब आपको कैलकुलेट करनी है कॉस्ट ऑफ डेट। तो बॉन्ड्स का रेट ऑफ इंटरेस्ट है 7%, इसको बना लीजिए आफ्टर टैक्स। टैक्स रेट आपको दिया है 35%, तो दिस विल बी कॉस्ट ऑफ डेट। तो 7 × 0.65, दिस इज 4.55%। देन यू कैन कैलकुलेट कॉस्ट ऑफ इक्विटी। इसमें देखो रिस्क फ्री रिटर्न भी है, बीका गया है, मार्केट का रिस्क प्रीमियम भी है, तो उसमें कैपम मॉडल अप्लाई हो जाएगा। लाइक पर कैपम के जो आर एफ प्लस बीटा इनकू आर एम माइनस आर एफ। को आर एम माइनस आर एफ होता है रिस्क प्रीमियम कितना है मार्केट में। तो किसी के गिवन रिस्क फ्री रिटर्न है जो 4%, बीटा 1.5 एंड रिस्क प्रीमियम है जो 3.5। उससे आपकी कॉस्ट ऑफ इक्विटी आ जाएगी 3.5 × 1.5 प्लस अवर 4, 9.25%। बस इसमें पुट कर रखें वकील की कॉस्ट ऑफ डेट 4.55, ये परसेंटेज में है आपकी। कॉस्ट ऑफ इक्विटी 9.25, यानी मल्टीप्लाई K × W, सो वी विल गेट KO। सो जो टोटल वेग होता है वो हमेशा ही 1 होता है, यानी वकील के ओ इज समेशन ऑफ KW। तो मल्टीप्लाई करते हैं 9.25 × 0.67, 6.1975 एंड 4.55 × 0.33, 1.501। तो टोटल कमिंग 7.699। आप राउंड ऑफ भी कर सकते हैं, सो KO इज इक्वल टू 7.7%, ये अवर ओवरऑल कॉस्ट ऑफ कैपिटल। सो नेक्स्ट एग्जाम्पल इज 19, इसमें आपको मेंशन किया है अपूर्वा लिमिटेड है एसेट्स ऑफ रुपये 32 लाख गैट हैव बीन फाइनेंस्ड एज फॉलो। इसमें इक्विटी शेयर्स हैं ऑफ रुपये 100 लाख 18 लाख, जनरल रिजर्व है गैट इज 10,40,000। फॉर द ईयर एंडिंग 31 मार्च 2020 कंपनी टोटल प्रॉफिट बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्सेज वर 6,23,000। कंपनी पे 1% इंटरेस्ट ऑन बोरो कैपिटल एंड टैक्स रेट की 40%। सो मार्केट वैल्यू इक्विटी एंडिंग 31 मार्च बाद ₹150 per share फ्रॉम द अबव डिटरमिंग द वेटेड एवरेज कॉस्ट ऑफ कैपिटल यूजिंग मार्केट वैल्यू एज वेट्स। तो पहले देखो आपको कैपिटल स्ट्रक्चर में वेटेड एवरेज कॉस्ट ऑफ कैपिटल फाइंड आउट करनी है। तो पहले हमें कैपिटल मेंशन किया है, कैपिटल इज गिवन इक्विटी शेयर कैपिटल। सो ऑफ रुपीज 100 ईच, तो जो कैपिटल हमें दिया होता है ना बैलेंस शीट में उसको हम कहते हैं बुक वैल्यू। तो ये आपको बुक वैल्यू दे रखी है इन रुपीज। सो इक्विटी की बुक वैल्यू है 18 लाख।
देन वी आर गिवन जनरल रिजर्व, उसकी वैल्यू है 360। एंड देन इसके लिए गेट, तो गेट का जो रेट ऑफ इंटरेस्ट है बोरो कैपिटल किसी 8%, सो वी कैन से 8% गेट, सो दिस इज 1040। सो दिस विल बी अवर टोटल कैपिटल, जिसे गिवन को भी 32 है। तो आपको वेकली एवरेज कॉस्ट ऑफ कैपिटल फाइंड आउट करनी है, तो उसके लिए पहले कॉस्ट ऑफ गेट, तो गेट का तो देखो मार्केट प्राइस हमें कुछ मेंशन नहीं किया है, टैक्स रेट दिया है, तो कॉस्ट ऑफ गेट का देखिए 8%, उसको बना लीजिए आपके टैक्स 4.8%। कॉस्ट ऑफ इक्विटी, तो कॉस्ट ऑफ इक्विटी के लिए आपको डिविडेंड्स मेंशन नहीं किए, तो हमें ईपीएस के बेस पर कैलकुलेशन करनी पड़ेगी, ईपीएस अपॉन एमपीएस। अब ईपीएस कैलकुलेट करते हैं, आपको दिया है प्रॉफिट बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्स, जिसको हम कहते हैं ईबिट। ईबिट आपको दी है 6,23,000, उसमें जब पहले इंटरेस्ट माइनस कर दो गेट के ऊपर 8% ऑन 10,40,000, किसी 83,200 बैलेंस आ जाएगा आपका पीबीपी, तो किसी अबर 539,800 माइनस कर लीजिए टैक्स, टैक्स ही 40%, बैलेंस ही पैक, तो माइनस 40%, तो किसी खबर 323,880। यानी उसी बता नंबर ऑफ इक्विटी शेयर, तो 100 का शेयर है सो दी जा रहे 18,000, इससे आपकी ईपीएस आ जाएगी प्रॉफिट अपॉन नंबर ऑफ शेयर्स 18,000, तो किसी 17.9933, तो उसको बुक करके के ही आ जाएगी 17.9933। मार्केट प्राइस ऑफ शेयर आपको दिया है 150 × 100, तो किसी कमिंग 11.9956%, तो आप राउंड ऑफ भी कर सकते हैं 12%, ये खबर है कॉस्ट ऑफ इक्विटी। अब इसमें बुक कर रखे हैं, अब उन्होंने वेकली एवरेज कॉस्ट ऑफ कैपिटल कैलकुलेट करनी है, वो आपने कैलकुलेट करनी है मार्केट वैल्यू के बेस पर, तो देखो मार्केट वैल्यू कितनी आएगी आपकी रुपीज में, इक्विटी की जो मार्केट वैल्यू होती है वो कंबाइंड होती है ऑफ इक्विटी शेयर कैपिटल प्लस रिजर्व एंड सरप्लस, उसकी कंबाइंड आ जाएगी, उसकी वैल्यू बन जाएगी जितने नंबर ऑफ शेयर है 18,000 और उसका प्राइस है आपका 150, तो इट मीन्स मार्केट वैल्यू इक्विटी इज 18,000 × 150, ये बन रही है आपकी 27,00,000। और एग्जैक्टली मार्केट वैल्यू हमें मेंशन नहीं की, तो सेम ही मानी जाएगी 1040। नाउ टोटल मार्केट वैल्यू इज 3740। अब इसके बेस पर आपको वेट कैलकुलेट करनी है, तो 27/3740 इसे जो 0.7219, तो 722 कर सकते हैं माइनस 1, बैलेंस रह जाएगा आपका गेट का वेट 0.278। अब आपके पास के आ गया है, बाकी कॉस्ट ऑफ इक्विटी 12%, जिसे 12% परसेंटेज में है, एंड बाकी कॉस्ट ऑफ डेट 4.8%, तो उसको करके मल्टीप्लाई आपकी कॉस्ट ऑफ कैपिटल आ जाएगी, बाकी जो के हो किसी के K×W, तो उसको मल्टीप्लाई करके टोटल कर लीजिए, तो किसे 12×0.7W प्लस 4.8, सो × 0.278, सो टोटल 9.9984%, ये खबर कॉस्ट ऑफ कैपिटल। सो एग्जाम्पल 20 में देखो आपको मेंशन किया है, सो एबीसी लिमिटेड है कि 10,000 shares rupees 7 each, 10,000 12% डिबेंचर्स एंड 20,000 शॉर्ट टर्म लोन एट द रेट 10%,
Tax rate for the company 30%, assume the cost of equity capital at 20%, calculate weekly average cost of capital at book value. Simple question है, तो आपको weekly average cost of capital calculate करनी है book value के base पर. तो आप table draw कीजिए, capital आपको mention किया है. तो first of all we have 10,600 rupees 7 each, it means equity share capital. ये आपको दे रखी है बुक वैल्यू इन रुपीज, तो 10,000 × 7 rupees 70,000, यानी कि 12% डिबेंचर्स. ऑफ रुपीज 10,000 एंड देन इट इज अवर शॉर्ट टर्म लोन 10%, अवर शॉर्ट टर्म लोन विच इज 20,000. सो टैक्स रेट इज 30%, दिस इज अवर टोटल कैपिटल, टोटल इज बिकमिंग 1 lakh. उसके बेस पर आपके वेट्स आ जाएंगे 0.7, 0.1, 0.2. बताइए कॉस्ट ऑफ डिबेंचर, तो इसका कोई मार्केट प्राइस मेंशन नहीं किया है, तो यही 100 rupees मानी जाएगी, 12% 100 के ऊपर 12, इसको बना लीजिए आफ्टर टैक्स से. टैक्स रेट इज गिवन, सो कॉरपोरेट टैक्स रेट इज 30%. तो कॉस्ट ऑफ टर्म लोन 10% आपका रेट ऑफ इंटरेस्ट है, इसको भी बना लीजिए आफ्टर टैक्स, जिसे 7%. अब कॉस्ट ऑफ इक्विटी आपको दे रखी है क्वेश्चन में, तो किसी जो गिवन को भी 20%, तो बुक क्या रखें कॉस्ट ऑफ इक्विटी के परसेंटेज 20%, कॉस्ट ऑफ डिबेंचर 8.4, कॉस्ट ऑफ लोन 7%, इक्विटी के इंटू डब्ल्यू 20 × 14, जिसे 0.84, 1.40, इसका टोटल कर लीजिए. सो दिस विल बी के ओ समेशन ऑफ के डब्ल्यू बिके इक्वल टू दिस वन 16.24% के ओवर ओवरऑल कॉस्ट ऑफ कैपिटल. नेक्स्ट वी हैव एग्जांपल नंबर 21. इसमें आपको डाटा दिया है ऑफ GPS लिमिटेड इक्विटी शेयर कैपिटल, सो 15% रिडीमेबल डिबेंचर, 12% प्रेफरेंस शेयर कैपिटल, 10% कन्वर्टिबल डिबेंचर, सब उनके अमाउंट्स दिए हैं रुपीज में. कॉस्ट इक्विटी इज 16.3%, इनकम टैक्स रेट 30%, को कैलकुलेट वेटेड एवरेज कॉस्ट ऑफ कैपिटल. ये भी सिंपल क्वेश्चन है, इसका टेबल ड्रॉ करके हैं को कैपिटल का सोर्स है इक्विटी शेयर कैपिटल, अमाउंट कितनी रुपीज 65 lakh, 12% प्रेफरेंस शेयर कैपिटल, 12 lakhs. सो 15% डिबेंचर्स, वी आर रिडीमेबल डिबेंचर्स, जिस मनी के 20 lakhs, यानी कि 10% कन्वर्टिबल डिबेंचर, अमाउंट इज 8 lakhs. सो कॉस्ट इक्विटी इज गिवन, दिस विल बी टोटल, तो आपको के ई मैंशन की है, के ई की गिवन 16.3%, तो कॉरपोरेट टैक्स रेट इज ऑल्सो गिवन फॉर द कंपनी 30%. तो कॉस्ट ऑफ आप टैक्स निकाल सकते हैं, कॉस्ट ऑफ रिजनेबल डिबेंचर ये है 15%, उसको बना लीजिए आफ्टर टैक्स 0.7, 10.5%, यानी कि कॉस्ट ऑफ कन्वर्टिबल डिबेंचर 10%, 0.7 = 7%. कॉस्ट ऑफ प्रेफरेंस शेयर, उसमें टैक्सी सेविंग नहीं मिलती है, सेम ही रहेगा 12%, जो प्रेफरेंस डिविजन का रेट है. उनके कोई मार्केट प्राइस नहीं किया, को फेस वैल्यू ही मानी जाएगी, तो जब फेस वैल्यू मार्केट प्राइस सेम हो गया है,
जो भी रेट ऑफ इंटरेस्ट दिया है वही हमारी कॉस्ट बन जाती है। तो आप इसका वेट कैलकुलेट कीजिए, तो टोटल ये अगर 40 एंड 105। तो 65/105, तो वेट्स आर कमिंग 0.619। यानी कि 12/105, 0.1143। तो जैसे 20/105, 105, 8/105, 0.076। राइट के कॉस्ट ऑफ इक्विटी 16.3, कॉस्ट ऑफ प्रेफरेंस शेयर की 12, कॉस्ट ऑफ रिडीमेबल के बैंक शेयर की 10.5, यानी कि 7%। सो के इनको डब्ल्यू और उसका खरीद लिए कोकल, सो दिस विल बी कॉस्ट ऑफ कैपिटल। सबमिशन गेस इनटू गेस वन 16.3 × 0.619, 10.09। सो 12 × 0.1143, 1.372। सो 10.5 × 0.1905, 2.00। सो 7 × 0.0762, 0.5334। सो दिस टोटल इज कमिंग 13.995%। अब राउंड भी कर सकते हैं 14%। तो अगर भाई आप देखेंगे एक और मेथड भी होता है कॉस्ट ऑफ कैपिटल को कैलकुलेट करने का। देखिए आप वेस्ट नहीं कैलकुलेट करना चाहते, सीधे के को रुपी से मल्टीप्लाई कर दो। तो इट मीन्स जिसी जब के इनको जितना अमाउंट है आपका उसका कीजिए टोटल, और नीचे डिवाइड कर दो टोटल अमाउंट से। टोटल अमाउंट है आपका 105। आंसर सेम आएगा, वेरीफाई करके हैं 16.3 इनटू किया आपने 65 से, 12 × 12 ये हमने मल्टीप्लाई किया सभी को अमाउंट से, डिवाइड करके टोटल अमाउंट 105 से। तो आप देखो आंसर आपका सेम आ जाएगा 13.। ये हमने डिस्कस किए हैं कुछ एग्जांपल्स कॉस्ट ऑफ कैपिटल के, तो नेक्स्ट लेक्चर में हम कुछ फर्दर एग्जांपल्स कंटिन्यू करेंगे। थैंक यू।